हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और आज लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का, लेक्चर 9, जिसमें हम पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर करेंगे। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट एक तो ये खुद आता है पॉइंटिंग थ्योरम प्रूफ करने के लिए। दूसरा क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, 3 से 4 न्यूमेरिकल्स होंगे और आपको एक्सटर्नल एग्जाम में 100% अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो उन 4 या 5 क्वेश्चन में से एक तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और ये खुद भी आ जाता है। क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, डिस्कस द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और बन सकता है स्टेट एंड डिड्यूस पॉइंटिंग थ्योरम फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो पहले पॉइंटिंग वेक्टर समझेंगे, फिर पॉइंटिंग थ्योरम ड्राइव करेंगे और इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं, और न्यूमेरिकल्स इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पॉइंटिंग वेक्टर समझते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर को एस से डिनोट करते हैं। और जैसे कि हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसमें होता है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तो वो भी बाद में हम प्रूफ करेंगे एक जगह कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होता है, साथ में जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होता है उनके भी परपेंडिकुलर वो दोनों वेक्टर होते हैं। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है ई और एच, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो अपने साथ एनर्जी डेंसिटी को कैरी करके लेके जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वजह से भी। दोनों फील्ड वेक्टर की वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होगी, मूव करेगी। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया और द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया, कितना फ्लो हो रहा है उसको हम जो है पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और एस इक्वल टू होता है ई क्रॉस एच। तो जो एस वेक्टर है वो ई और एच के परपेंडिकुलर होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होता है उसी डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर भी होता है। क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी व्हेन दे प्रोपोगेट, द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया और द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर जो है इसके ऊपर आप वेक्टर बना लीजिएगा एंड S इक्वल टू हो जाएगा E क्रॉस H। और ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था ये वेक्टर बनाती हूँ मैं, तो कुछ लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं, कुछ बुक्स में जो नोटेशन है वहां पर बोल्ड कर देते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको बोल्ड कर दिया जाता है। तो जहां भी आप रीड करेंगे उस अकॉर्डिंग अलग नोटेशन हो जाएंगी वेक्टर्स की, और हम क्या कर रहे हैं सिंपल एक लाइन खींच दे रहे हैं। तो लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं, जहाँ पे E और H क्या है, E, H और जो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, और जो X की डायरेक्शन है, S की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है जो E और H के परपेंडिकुलर है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पॉइंटिंग वेक्टर की जो यूनिट होती है, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया फ्लो हो रही है, तो इसलिए इसकी जो यूनिट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। अब हम पॉइंटिंग थ्योरम समझ लेते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम क्या है। तो पॉइंटिंग, अब हम क्या करेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर का डेरिवेशन करेंगे, सॉरी पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे अब हम। तो डेरिवेशन के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी करती हैं, और मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करते हुए कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो मैं चारों मैक्सवेल इक्वेशन लिख रही हूँ एक बार दोबारा फिर से, बट हम जो यहाँ पे यूज करेंगे दो मैक्सवेल इक्वेशंस, यानी कि थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी कैरीड बाय इलेक्ट्रो मैग्नेटिक
waves with the help of Maxwell's equations. The first Maxwell equation है डाइवर्जेंस d इक्वल टू जीरो और लिख सकते हैं डाइवर्जेंस e इक्वल टू जीरो क्योंकि d इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन e. ठीक है सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है डाइवर्जेंस b इक्वल टू जीरो और डाइवर्जेंस h इक्वल टू जीरो इक्वल टू म्यू एच होता है. ये हम क्यों कर रहे हैं या तो आप चार जो इक्वेशंस हैं उसको बी और ई की फॉर्म में रखें सॉरी बी और डी की फॉर्म में रखें या ई और एच की फॉर्म में रखें मतलब नोटेशन सेम रखें जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो. तो हम क्या करेंगे इसको ई और एच के टर्म्स में लेके चलेंगे. लास्ट है कर्ल सॉरी थर्ड है कर्ल इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी और लिख सकते हैं इसको कर्ल ई की टर्म्स में इक्वल टू माइनस बी की जगह म्यू एच तो म्यू बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट डेल एच ओवर डेल टी. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन है ये थर्ड इक्वेशन है और लास्ट हो गई हमारी कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी और करके हम इसको लिख सकते हैं कर्ल एच इक्वल टू क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं इसको ई और उसकी टर्म्स में लेना चाह रहे हैं जे प्लस एप्सिलॉन ई अपॉन डेल टी. इक्वेशन फोर एक चीज ध्यान रखिएगा मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ई एप्सिलॉन के जैसे बनाते हुए देखा है तो होगा क्या अगर आप एप्सिलॉन जैसा ई बनाएंगे तो एप्सिलॉन और ई में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो ई थोड़ा स्ट्रेट बनाइए और एप्सिलॉन के लिए थोड़ा कर्व बना लीजिएगा है ना जिससे एप्सिलॉन और ई में डिफ्रेंशिएट कर सके आप भी और जो आपकी कॉपी चेक करेगा एबिलिट करेगा वो भी. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड और फोर्थ यूज करेंगे. ये ध्यान रखेंगे जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है कर्ल ई है तो इसमें हम एच की डॉट प्रोडक्ट करेंगे. जो एच कर्ल ई है इसमें हम ई की डॉट प्रोडक्ट करेंगे मतलब अपोजिट टर्म से हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे. ये ई की टर्म्स में है तो एच से डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये एच की टर्म्स में है यहाँ पे ई से डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जो बन के आएगी नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट के बाद उस इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हम क्या करना चाह रहे हैं इक्वेशन थ्री में तो ई का डॉट प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं taking dot product of equation 3 and 4 equation 3 ka hum dot product kar rahe hain with h and e ka kar rahe hain dot product equation 4 ke sath respectively. पहले क्या किया इक्वेशन थ्री में h का डॉट प्रोडक्ट तो h डॉट कर्ल e सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा माइनस म्यू h डॉट डेल h ओवर डेल t. इक्वेशन फाइव हो गया. इक्वेशन फोर में डॉट प्रोडक्ट किया था e से तो e सिंपल क्या है डॉट प्रोडक्ट के साथ वो टर्म लिख देंगे आप है ना तो e डॉट डॉट बनाना है आपको ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर्स का e डॉट कर्ल h इक्वल टू e डॉट j प्लस e डॉट एप्सिलॉन डेल e ओवर डेल t इक्वेशन सिक्स. अब इक्वेशन फाइव में से सिक्स को तब सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम सब्ट्रैक्ट कर दिया सिक्स को फाइव में से फाइव माइनस सिक्स तो ये क्या बन गया एच
लेफ्ट टर्म लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच डॉट कर्ल ई माइनस ई कर्ल एच इक्वल टू इधर वाली टर्म क्या बन जाएगी। अब इस टर्म में से ये माइनस करना है तो पहले माइनस वाली टर्म आ रही है माइनस म्यू एच डॉट डेल एच ओवर डेल टी माइनस अब ये टर्म सिक्स टर्म माइनस कर रहे हैं हम इसमें ई डॉट जे माइनस ई एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे ये दोनों टर्म तो एक साथ ले जाएंगे ठीक है और इस टर्म में हम डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो पहले इन दोनों को एक साथ ले आते हैं फिर इन दोनों टर्म्स के बारे में हम देखते हैं। तो पहले एक बार फिर दोबारा से इक्वेशन को लिख लेते हैं ऐसे ही एच डॉट कर्ल ई माइनस ई कर्ल एच इक्वल टू अब ये दोनों टर्म एक साथ ले लिया माइनस बाहर कॉमन ले लिया माइनस म्यू एच डॉट डेल एच ओवर डेल टी प्लस एप्सिलॉन पहले लिख लिया कांस्टेंट है ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी माइनस ई डॉट जे इक्वेशन 7। अब क्या करेंगे पहले तो मैंने क्या कहा डाइवर्जेंस वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यानी ये जो लेफ्ट हैंड वाली टर्म है इसको चेंज करेंगे तो वी नो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी अगर हम ओपन करें तो जब डाइवर्जेंस लेते हैं ए क्रॉस बी का तो जो टर्म आती है वो आती है बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए ये बिल्कुल इस टर्म जैसी है ठीक है ना इस जैसी। तो क्या करेंगे हम इसको डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच भी लिख सकते हैं दैट इज ये एक तरीके से ये वैल्यू है डाइवर्जेंस E क्रॉस H और E क्रॉस H का मतलब क्या हो गया H डॉट कर्ल E माइनस E यहां पे डॉट है ये डॉट लगाना नहीं भूलिएगा E डॉट कर्ल H इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 8 से वैल्यू इक्वेशन 7 में आप पुट कर देंगे तो अब हम क्या करेंगे फ्रॉम 7 एंड 8 सो डाइवर्जेंस हम इसको लिख सकते हैं ई क्रॉस एच जो फर्स्ट टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड की जो ई डॉट जे वाली टर्म है उसको हम माइनस में थी उसको लेफ्ट में भी ला सकते हैं तो ये प्लस हो जाएगा ई डॉट जे इधर हो जाएगा माइनस म्यू एच डॉट डेल एच ओवर डेल टी प्लस एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी इक्वेशन 9। अब इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिएगा जो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताने जा रही हूँ ठीक है तो इसको ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। वी कैन राइट म्यू एच डॉट डेल एच ओवर डेल टी इक्वल टू हाफ डेल ओवर डेल टी म्यू एच स्क्वायर।
and epsilon E dot del E over del T equal to half del over del T epsilon naught E square. इन दो टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, जस्ट रिवर्स ऑर्डर कर लिया। तो समझाने के लिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इस वाली टर्म को ध्यान से देखिए, तो क्या है 1 बाय 2 डेल ओवर डेल टी म्यू एच स्क्वेयर। जैसा ये कर रहे हैं ऐसे ई का कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डेल ओवर डेल टी करना है म्यू एच स्क्वेयर को, म्यू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो इक्वल टू 1 बाय 2 म्यू एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या टी के रिस्पेक्ट में, तो 2h डेल h ओवर डेल टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू एच डेल h ओवर डेल टी। तो मतलब म्यू एच डेल ओवर डेल टी किसके बराबर है, हाफ डेल ओवर डेल टी म्यू एच स्क्वायर। तो मतलब इस टर्म को जो हमारी लेफ्ट में हमने टर्म लिखी है ये इसके बराबर लिखी जा सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये रिवर्स प्रोसेस यूज करके हमने इसको एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में लिख दिया है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में हमने इस टर्म को रीराइट कर दिया है। तो म्यू एच डॉट डेल एच ओवर डेल टी को हाफ डेल ओवर डेल टी म्यू एच स्क्वायर लिखा जा सकता है। सिमिलरली एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी को हाफ डेल ओवर डेल टी ई एप्सिलॉन ई स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करके ले लीजिए, एप्सिलॉन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2e डेल ई ओवर डेल टी आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेफ्ट वाली टर्म ही आपको मिल जाएगी। तो हम इन दोनों टर्म की जगह यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 9 बिकम्स डाइवर्जेंस ई क्रॉस H plus E dot J equal to minus half del over del T mu H square plus half del over del T epsilon E square। दोबारा लिख लेते हैं, एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अब हमने इस पूरी इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, इक्वेशन का इंटीग्रेशन ले लिया, वॉल्यूम इंटीग्रल लिया है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन अबव इक्वेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ई क्रॉस H dv plus integration E dot J dv equal to minus integration 1 by 2 del over del T mu naught H square। ये हाफ भी अंदर ले जा सकते हैं, प्लस हाफ डेल ओवर डेल टी एप्सिलॉन ई स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एक चीज और है, अभी मैं इस वॉल्यूम इंटीग्रल को चेंज नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट टर्म में अगर ध्यान से देखें, डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच डीवी है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करके इसको हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। और ई क्रॉस एच क्या है, ई क्रॉस एच पॉइंटिंग वेक्टर है जो अभी पीछे बताया था, तो ये एस डॉट डी एस हो जाएगा,
एस पॉइंटिंग वेक्टर वाला और डीएस जो है सरफेस इंटीग्रल वाला। तो कैपिटल एस जो पॉइंटिंग वेक्टर का है उसको सरफेस से ना कंफ्यूज करिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नोटेशंस को चेंज नहीं कर रही हूँ, तो इसको ऐसे ही रख रहे हैं हम। डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच डॉट डी वी प्लस ई डॉट जे डी वी माइनस, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ऑपरेटर इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो दोनों टर्म में है ये, तो दोनों टर्म से बाहर आएगा, तो बाहर आके ही हो जाएगा जब इंटीग्रेशन, तो कैपिटल में हो जाता है डी बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन के टर्म्स में आ जाता है डी बाई डी टी, और जब अंदर जाता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन तो पार्शियल में लिखते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी टी इंटीग्रेशन 1/2 म्यू एच स्क्वायर प्लस 1/2 एप्साइलन ई स्क्वायर, सॉरी यहाँ डी वी लिखना रह गया था, डी वी। ये जो टर्म है या ये जो स्टेटमेंट है ये पॉइंटिंग थ्योरम है, ये जो अबव एक्सप्रेशन है दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इज कॉल्ड पॉइंटिंग थ्योरम, और ये कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन जो एनर्जी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बताता है। तो इसके एक एक टर्म्स को अभी हम समझेंगे। दिस इक्वेशन किस तरीके से कंजर्वेशन बताता है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इज कॉल्ड पॉइंटिंग थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंटिंग थ्योरम फॉर फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके एक एक टर्म को देखते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को अगर आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट टर्म क्या है ई क्रॉस एच, अभी आपको बताया था ई क्रॉस एच क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट, या रेट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो वो बताता है। तो यानी कि ये तो एनर्जी फ्लो बता रहा है कि यूनिट टाइम में यूनिट एरिया को कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। ये वाली जो टर्म है ये यहाँ से लिखना नहीं है, जो मैं अभी बता रही हूँ ये सब समझाने के लिए है। तो ई डॉट जे टर्म वाली टर्म आपको बताती हूँ। ई क्या होता है, इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस तरीके से कर लीजिएगा। ई होता है वोल्टेज या वोल्ट वी अपॉन डी, यानी कि वी अपॉन डिस्टेंस। जे होता है आई अपॉन ए, तो ई डॉट जे क्या हो जाएगा, वी अपॉन डी आई टू ए, ठीक है। वी आई क्या होता है, पावर, डी ए कितना होता है, वॉल्यूम। तो पावर लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, ई डॉट जे, पावर लॉस पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वर्क डन कितना, पावर लॉस पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो रहा है, जितना आपने वर्क किया है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल वी को इस वी से कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये वॉल्यूम के लिए लिए रखा है मैंने, डी इन टू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और ये कैपिटल वी जो है वोल्टेज के लिए लिया है, तो उसको रिमूव कर देती हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो ये वाली जो टर्म है ये वर्क डन बताती है, ठीक है, पावर लॉस पर यूनिट एरिया बता वॉल्यूम बताती है। अब इसकी हम थर्ड टर्म पे आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है हमारी, थर्ड टर्म आप ध्यान से देखिए, थर्ड टर्म है डी बाई डी टी, रेट चेंज हो रहा है, माइनस डिक्रीज हो रही है, किसके बराबर है, ये वाला जो टर्म है ये क्या है,
एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड जो स्टोर करती है, ये क्या है एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करती है। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होती है, तो ये एनर्जी डेंसिटी जो इसके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वजह से है, ये एनर्जी डेंसिटी जो एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से, तो ये टोटल एनर्जी हो गई दोनों की वजह से। टोटल एनर्जी का रेट चेंज हो रहा है और डिक्रीज हो रही है, किसके बराबर है वो जो रेट चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है एनर्जी, टोटल एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी कर रही है, किसके बराबर है वर्क डन के बराबर, जितना काम हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह में वेव को ट्रैवल करने में, प्लस जो एनर्जी फ्लो हो रही है उस यूनिट एरिया को क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने में। राइट कर सकते हैं कि टोटल क्या बता रहा है, ये सम है रेट ऑफ वर्क डन यूनिट वॉल्यूम से जो क्रॉस हो रहा है पावर डिसिपेशन और बाउंड्री सरफेस से जो एनर्जी फ्लो हो रही है, उन दोनों के सम किसके बराबर है, टोटल एनर्जी में डो डिक्रीज हो रहा है। तो उसको लिख लेते हैं, तो आप ऊपर वाली इक्वेशन देख रहे हैं, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द सम ऑफ रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्जेस इन अ वॉल्यूम दैट इज पावर डिसिपेटेड एंड एनर्जी फ्लो थ्रू अ बाउंड्री सरफेस ऑफ अ वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में जो कमी हो रही है वो किसके बराबर है, जो वर्क डन हो रहा है और जो एनर्जी फ्लो हो रही है बाउंड्री सरफेस से, उन दोनों के सम के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।